इसका गुणनखंड करेंगे। देखो गुणनखंड करने के लिए पहले और अंतिम को गुणा करिए, 18 गुणा एक्स की स्क्वायर, 18 एक्स की स्क्वायर, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों टुकड़े भी प्लस के होंगे, ठीक है। अब 18 एक्स स्क्वायर के दो गुणनखंड करो, दो निम अठारह, दो एक्स, नौ एक्स, नौ दुनी 18 एक्स की स्क्वायर। अब 9 और 2 11 होते हैं, प्लस के हैं तो 11 आ रहे हैं, तो अपने ये 2x प्लस 9x बराबर 11x। अब जहाँ 11x आया उसको चिन्ह समेत ही हटा दो और उसकी जगह पर ये लिख दो x की स्क्वायर, ये लिखो 2x और 9x प्लस 18, दो दो के समूह बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, दो समूह बन गए, दोनों में से कॉमन निकाल लो। यहाँ देखो दो, यहाँ दो नहीं है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो दोनों में से छोटा वो निकलेगा, कम घात वाला एक्स निकल गया, तो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स गुना एक्स है, उसमें कॉमन निकालना है, भाग देना होता है, एक्स एक्स को काट दो, यहाँ एक्स प्लस ये कितना है 2x, 2x में x का भाग दो, x से x गया, क्या बच गया 2, ये प्लस यहाँ देखो x है, यहाँ x नहीं, x को मनाएगा नहीं, तो यहाँ देखो 9 और 18 एक ही पड़े मतलब 9 के पड़े में 9 को कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालने में भाग देना होता है, 9x में 9 का भाग दो, 9 से 9 कट गया, x आ गया, ये प्लस 18 में 9 का भाग दो, 9 दो 18 2 आ गए। अब देखिए ये दोनों कोष्ठक एक जैसे आ गए, x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 9, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, ओके, धन्यवाद।